हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए, आज बारिश हो रही है तो मैंने शूट कर लिया था। तो देखिए किस तरीके से बारिश हो रही है और बर्फ़बारी भी हो रही है। पता नहीं है हम किसानों का क्या होगा। हम किसानी पर ही निर्भर हैं। ऐसे में ना किसानों की फसलों को नुकसान है, तो फसलों को कैसे बचाया जाए इस बारिश से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और आज तो बहुत ही बारिश हुई है और बर्फ़बारी भी कहते हैं, ओले कहते हैं। हमारी बड़े लोग कहते हैं कि नाम नहीं लेना चाहिए, पर मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि गिरे हुए थे। आप लोगों ने देखा ही, मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो ये देखिए किस तरीके से गिरा हुआ पानी, और सभी जगह ये हो रहा है ओले पानी। तो भाई, और ये मैं बना रही थी पालक पनीर। तो टमाटर यहाँ पर कट कर रही हूँ, मसाला मैंने पीस लिया है, अदरक लहसुन मिर्च और प्याज का पेस्ट बना कर रख लिया है। उसमें अभी टमाटर काट दे रही हूँ, और उस मसाले यानी जो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है तो उसमें मैं ऐड कर देती हूँ मसाले, तो वो फूल जाएंगे मसाले। और कुकर पर पालक उबल चुकी है तो वो बंद है। फिर मैं अभी थोड़ी देर बाद उसको निकाल के थाली पर रख दूँगी जिसमें पालक ठंडी हो जाए। तो ये मैं इस तरीके से मसाले ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन वाले पेस्ट पर, जो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट हो उसमें मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। और धीरे धीरे पनीर को भी देखते जा रही हूँ, क्योंकि पनीर ना चिपकने लगता है। तो उसको इस तरीके से मैं चलाते भी जा रही हूँ और ये भी करते जा रही हूँ। श्रेया से थोड़ी मदद लेती जा रही थी मैं कि कुछ भी सामान चाहिए रहता था तो जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत रहती थी उससे कह देती थी मैं। तो ये मैं बना रही हूँ और बहुत मदद हेल्प करवा देती। भाई बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत हेल्प करवाती है हमारी। तो मिक्स से मैं पालक उसी ने पीस के दी थी मुझे। तो ये मेरे हल्के से ब्राउन हो गए हैं पनीर, तो मैंने निकाल लिए इसको प्लेट पर। और ऑयल ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था ऑयल। मैंने बोला चलो ऑयल मैं निकाल लेती हूँ, तो ऑयल मैंने निकाल लिया था। तो ऑयल निकालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ जीरा राई। तो उसी थोड़ा सा ना, देखो ना पनीर जब अपन फ्राई करते हैं तो चिपक जाता है, बट मैंने ऑयल उसी में से निकाल के इसी में छौंक लगा दे रही हूँ। तो ये मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले जो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, और मैं इसको इसी तरीके से भून लूँगी। भुनने के बाद मुझे लग रहा था कि ऑयल कम है, तो वो जो निकाला हुआ ऑयल था तो मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया है। तो मैंने इस तरीके से ऐड कर लिया था, और टमाटर भी मिक्स कर दूंगी मैं। तो इसमें टमाटर डालने के बाद मैं हल्का से ना, जब तक मसाला अच्छी तरीके से भूनना चाहिए भाई, जब तक मसाला नहीं भुनेगा तब तक सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनती है। तो मैं हमेशा ज़्यादातर मसाले की यानी सब्ज़ी में मसाले की ही ज़्यादा अहमियत रहती है। तो मैं बहुत अच्छे से भूनती हूँ मसाले को, और अभी मसाला फ्राई हो जाएगा, पक जाएगा अच्छे से, तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। तो ये श्रेया ने मुझे पालक पीस के दे दी थी, तो मैं इसको प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो मैंने बोला चलो ये भी निकाल लेती हूँ। तो इसको पालक की ज़्यादा मात्रा नहीं थी, थोड़ी सी थी, तो मैं इसको इस तरीके से निकाल लूँ, एक प्लेट में रख लूँगी। मैंने ना मसाले में टमाटर ऐड कर दिए हैं, और यानी सब कुछ यानी ऐड हो गया। इसमें सिर्फ नमक नहीं डला हुआ है, तो नमक भी ऐड कर दूंगी। और मैं बड़ा वाला चमचा ली हुई हूँ, जो झरिया रहती है ना झारा, तो उसको मैंने बड़ा वाला ले लिया। श्रेया से मंगाया था तो श्रेया ने यही पकड़ा दिया, तो और पनीर इसी से निकाला था, तो मैं इसी में सब्जी बनाने लगी। तो अब मैं इसमें क्या बोलते हैं, नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद इसमें पालक और पनीर मैं डाल दूंगी। बस हमारी पालक पनीर बनकर तैयार है। तो कई मैं गरम मसाला नहीं ऐड करती हूँ। आप लोगों को कई वीडियो पर मैंने बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ गरम मसाला नहीं खाते हैं, इसलिए मैं गरम मसाला नहीं ऐड करती हूँ। नमक पनीर ऐड करने के बाद मैं इसमें कर दूंगी नमक ऐड। नमक ऐड करने के बाद मैं चला दूंगी। चलाने के बाद ही मैं इसमें पालक डालूंगी। बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। गरम मसाला बस ऐड नहीं किया, बाकी के सभी मसाले इसमें ऐड है। बिना गरम मसाले के ही मैं सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गरम मसाला नहीं खाते हैं। और अब नहीं खाते हैं तो मेरी भी इच्छा मर चुकी है, अब मैं भी नहीं खाती हूँ गरम मसाला। बहुत ही कम इच्छा होती है मेरी। तो मैं ये
मेरी पालक पनीर बनकर तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग भी बना लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट से शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरी वीडियो में कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। बस इसमें धनिया और डाल दूंगी, तो धनिया मैंने डाल दी है और ये हमारी पालक पनीर बनकर तैयार हो गई है। तो ये उबल रही थी तो मैंने इसको शूट कर लिया था। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।